Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Car for Sale Simulator. तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि इस गेम में मैंने अपना एक कार शोरूम खोला था, जिसकी स्टार्टिंग मैंने ऐसे काफी छोटे लेवल से की थी. हाँ, मतलब मैं $2000 की एक होंडा सिविक लेकर आया था, जिसको मैंने $4000 में बेचा था. बट अभी हम लोग ऐसे छोटी मोटी गाड़ियां नहीं खरीदते. लास्ट एपिसोड में मैंने एक सुपर कार खरीदी थी, जो की थी टोयोटा सुप्रा, और उसको मैंने खरीदा था $70,000 का और बेचा था $1,00,000 में. यानी अपना जो शोरूम है वो अब छोटा शोरूम नहीं रहा, अब वो लग्जरी कार का शोरूम बन चुका है. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज भी मुझे गाड़ियां बेच के बहुत सारा पैसा कमाना है, तो फटाफट से चलते हैं शोरूम में. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. यस, बहुत दिनों बाद वापस नहीं आया हूं मैं अपनी जॉब को लेकर थोड़ा सीरियस हो चुका हूँ. बाय द वे, पहले यार अपनी डीलरशिप कैसे ऐसे छोटी सी घटिया सी दिखती थी, और आज भी घटिया ही दिख रही है, क्योंकि मैंने शोरूम अपग्रेड नहीं करा है. मैं बस यहाँ पर महंगी गाड़ियां लाकर बेचने लग गया हूँ. एक तो समझ नहीं आ रहा बंदो क्या दिक्कत है भाई, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी धरती है, इनको मेरी दुकान के आगे क्यों कूड़ा फेंकना है. खैर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको फेंकने से मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो फायदा ही है. बट हाँ, सफाई करने का मन नहीं करता मेरा, मैं ऐसे बड़ा डीलरशिप का ओनर बन चुका हूँ. भाई तभी बातें कम करते हैं, शोरूम को आज ओपन कर लेते हैं. और ये मत सोचना कि आज मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है बेचने के लिए. लास्ट वाले एपिसोड में मैंने एक सुप्रा खरीदी थी, उसको बेचने के बाद $1,00,000 आए थे, और उन पैसों को मैंने ऐसे पार्टी शार्टी में उड़ाया नहीं. मैंने एक और सुप्रा परचेस कर ली, मेरे को अच्छी डील मिल रही थी $60,000 में. थोड़ा बहुत डैमेज था, दरवाजा टूटा हुआ था, और उसको मैंने लाके फटाफट से रिपेयर करवा लिया. भाई साहब रिपेयर हो गई है ना, एक बार इससे बात कर लो. यस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द कार. चलो भाई, ये अपनी न्यू सुप्रा है, आज इससे थोड़े बहुत राउंड मारेंगे, फिर इसको बेचने पे लगाते हैं. चेक तो करें भाई बंदे ने ठीक क्या करा है. ओके, पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ. वैसे थोड़ी बहुत गंदी हो रखी है, पर मेरा प्लान तो यह है कि मैं इसका पूरा कलर ही चेंज करवाऊँ. लास्ट टाइम भी मैं ब्राउन कलर की सुप्रा लेकर आया था, और उसको मैंने येलो कलर का करवा के बेचा था, और अच्छे खासे पैसे मिल गए थे. तो इसका भी कलर एकदम बढ़िया सा कुछ करवाते हैं, ठीक है. एक सेकंड, अभी तो इससे पटाखे भी फोड़ेंगे, पहले बस कलर एक बार बढ़िया सा हो जाए. भाई साहब देखो, तुम एक काम करो यार, इसका कलर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लाइम ग्रीन वाला करवाऊंगा, बहुत सही दिखेगा कुछ ऐसा सा. अभी ये गाड़ी थोड़ी बहुत डर्टी है, इसलिए एकदम क्लियरली दिख नहीं रहा है, पर करवा लेते हैं भाई, मेरे को तो मजा आ जाएगा इस कलर में. चलो चलो चलो, ज्यादा पैसा है नहीं मेरे पास, अभी फटाफट से इस गाड़ी को मैं निकालता हूं यहां से. यार वैसे देखो, अपने शोरूम में सुप्रा जैसी कार जा रही है, तो उसके टायर तुम्हें कुछ ऐसे घटिया से नहीं? अरे एक सेकंड, हाँ टायर चेंज करवाने, पर पहले ये तो हटे. ओके चलो, वो कस्टमर जा चुका है, फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं. इस बंदे के पास स्टॉक बहुत अच्छा खासा है, पर ये बहुत महंगे अलॉय बेचता है यार. भाई तू कुछ सस्ता दिखा देना यार आज. देखो इसके पास एक अलॉय वाले हैं, एक ये वाले हैं. भाई $3,000 यार, ठीक है मैं सुपरा के लिए इतने लगाऊंगा. भाई जब सबसे महंगे अलॉय व्हील्स तो ये है, बट 5,000. चलो ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, हम कमाएंगे तो 3,000 लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है. मैंने मस्त करवा लिया. अभी मैं यार सबसे ज्यादा खर्चा ना इसकी दुकान पर आके करता हूँ, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, बट ठीक है. अभी गाड़ी एकदम चमक चुकी है, बट थोड़ा बहुत ना इसको मेरे को साफ करना चाहिए यार. मेरे पास ये ब्रश है, इसके थ्रू मैं गाड़ी ना पूरी क्लीन कर सकता हूँ. ये देखो, ये ऐसे चमकेगी अगर पूरी क्लीन कर दी. वाला डोर गंदा है, इसको क्लीन करेगा तुम्हारा भाई 2 सेकंड में. चलो फुल डोर चमका दिया, और क्या पूरा एकदम तोतिया कलर हो जाएगा भाई. तोतिया कलर मतलब तोते वाला कलर, क्या बोलते हैं, ततैया कलर, जो भी हो, बट जो भी है. हाँ मतलब जो भी बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं बस गाड़ी को एकदम चमकाने वाला हूँ. देखो भाई, अगर तुम शोरूम बिजनेस में, तुम्हें गाड़ी को ऐसे करके रखना है कि कस्टमर आए और देख के खरीद ले बस, ठीक है. अभी मैंने गाड़ी एकदम मस्त पूरी चमका डाली है, और भाई अब तो मेरा बेचने का ही मन नहीं कर रहा है. एक राउंड मारकर आते हैं इस पे, लेट्स गो. गाड़ी स्टार्ट, और फटाफट से लेकर चलते हैं. सामने अपनी डीलरशिप है, यहाँ पर आकर मैं बाद में बेचूंगा. वेट भाई, ये ड्रिफ्ट नहीं, आराम से थोड़ा. हाँ मालूम है अच्छी ड्रिफ्ट मार लेती है, पर ऐसे बेमतलब नहीं, ठुक जाएगी ना तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा. अभी रिपेयर करवाया. ओ भाई क्रेजी सीन्स, मेरे को तो यार सच में इस गाड़ी को बेचने का मन नहीं कर रहा है. पटाखा भी मारा इसने अभी. ओ तेरी भाई, जैसी मैं यो फायर फ्लेम्स निकल रहे. हेलो, ओह भाई एक सेकंड, इसके अंदर टर्बो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्या? भाई ठीक है, अभी ना मैं गाड़ी चलाते हुए मस्ती में नेबरहुड आ चुका हूँ, तो मैं अभी गाड़ी बेचने नहीं वाला, थोड़ा सा ना अपना जॉब करते हैं यार, जरूरी थोड़ी हर बार मैं पैदल आऊँ. तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे. अभी देखो, हम बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, मैं ऐसे गाड़ियां खरीदने पैदल नहीं आऊंगा, मैं अपनी सुप्रा में आऊंगा. थोड़े दिन के लिए इस गाड़ी को अपने पास ही रखते हैं. बाय द वे यहाँ पर एक ऑडी मिल रही है, कितने के मैम? मेरे पास $30,000 है, और आप बेच रहे हो 27 की. ऑडी टीटी है यार, तो बुरा ऑप्शन नहीं है. तो मैम मैं आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है. पूरा ऐसे शहर घूम लूँ ना, गाड़ी बुरी नहीं है. हो सकता है यहाँ पर थोड़े बहुत और अच्छे ऑप्शन मिल रहे हो ना, तो डायरेक्ट नहीं, सॉरी हटा रहा हूँ गाड़ी. हाँ तो मैं ये कह रहा था, हो सकता है कि यहाँ पर और भी अच्छी डील्स मुझे मिल जाए, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत और गाड़ियाँ देखते हैं, उसके बाद मैं उस वाली कार को लूंगा. राइट साइड में खचाड़ा से डासिया जैसी कार मिल रही है, और लेफ्ट साइड में भी ये भी खचाड़ा है. यहाँ पर एक SUV मिल रही है, बट अभी मैं SUV में इंटरेस्टेड नहीं हूँ.
एक सेकेंड सामने मुझे एक और ऑडी दिख गई और आई थिंक ये भी टीटी ही है और हो सकता है ये थोड़ी भाई ये एरिया अच्छा है। देखो यहाँ पर सामने एक BMW मिल रही है और इस तरफ में एक Audi TT। कितने की दे रहे हो भाई साहब आप? 32% डैमेज है और ये मेरे को दे रहा है 32,000 की। बेटे चार्ट ही आएगा, BMW वाले से बात करता हूँ, अगर ये थोड़ी सस्ते में निकाल देना 10,000 में तो ये गाड़ी बिक जाएगी भाई। बड़ी ब्रांड बिक जाती है भाई, पता नहीं क्यों। 7,000 हेलो भाई, बाद में मना मत कर, अभी खरीदूंगा इसको मैं, पहले बार्गेन भी कराऊंगा। $7,500 की मुझे ये BMW दे रहा है, तो इससे ऑफर करते हैं 7,200, ठीक है? That's it. भाई अभी के अभी बेच दे, I'm thinking. Okay, मिल गए भाई, let's go. Deal भाई, ऐसे करो यार। चलो अभी मैं इस गाड़ी को कुछ नहीं करने वाला हूँ, फटाफट से ना मैं इसको चला के नहीं ले जाऊंगा ऑब्वियसली यार, मैं इसको सीधा रिपेयर वाले की शॉप पे भेज रहा हूँ क्योंकि गाड़ी थोड़ी बहुत डैमेज थी। अब उसकी शॉप पे जाके बस मुझे उससे पेमेंट करनी है ताकि वो रिपेयर पे लगाए। और एक Audi TT भी मैंने प्लान कर लिया, बट इसकी वाली नहीं है, बहुत महंगी दे रहा है। वो जो पीछे आंटी Audi बेच रही थी ना, वो वाली जाके लेंगे, बट पहले थोड़ा सा और शहर घूम लूं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो गाड़ी को, ओ नहीं नहीं, ओ भाई वेट, क्या घुमाई है यार। देखो आज ना मैं फुल बिजनेस करने के मूड में हूं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं गाड़ी चलाने में, फटाफट से वाली Audi खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, ये 27 की बेच रही थी और अभी मेरे पास 25 बचे हैं। हेलो मैम, आप एक काम करो, इसको निकाल दो ना यार प्लीज 25 का। देखो बार्गेन खेलना चाहिए थोड़ा, 25,000 कम नहीं होते हैं, बेच दे। वो भाई मिल गई, ये भी मिल गई, दो गाड़ी खरीद दी भाई, लेट्स गो। इसको फर्स्ट रिपेयर वाली शॉप पे भेज देता हूँ, लेट्स गो भाई, काम हो गया। अब फटाफट से अपनी सुपरा में बैठ के चलते हैं डीलरशिप पे। पर अभी ना मैंने सारा अपना पैसा उड़ा डाला है, तो मैं अब ज्यादा मस्ती नहीं करने वाला हूँ। सुपरा बहुत चला ली, पटाखे कितने भी मार ले, पर एज अ बिजनेसमैन मुझे इस गाड़ी को बेचना चाहिए, ठीक है? ऐसे अपनी मस्ती के लिए इतनी महंगी गाड़ी नहीं लेकर घूमने वाला हूँ मैं। ओ भाई यार, ये ड्रिफ्ट ऐसी मार देती है ना, फिर देख रहे हो ये बदतमीजी। अब कार मार्केट प्लेस भी ओपन है, मस्त मस्त गाड़ियां आई हुई है, बट अपनी जेब में पैसा नहीं है, गाड़ी बेच बेच के आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ड्रिफ्ट तो बनती है भाई। नहीं, हाँ ऑल राइट गाइस, तो हम लोग वापस से पहुंच चुके हैं टेक्नो मोटर्स पे और फटाफट से इस गाड़ी को पार्क करते हैं भाई। यार बहुत ज़्यादा प्यारी है यार, बेचने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, पार्क करो, गाड़ी से उतरो और जल्दी से चल के मैं इसे लगाता हूँ बेचने पे। दो गाड़ियाँ और आई हैं रिपेयर करवाने के लिए, उसकी भी डील देखनी है, तो चलते हैं वेब पेज पे। और टोयोटा सुप्रा $65,000 की मैंने खरीदी थी, 4,000 ऊपर से लगाए हैं, तो एक गाड़ी बिकनी चाहिए 1,15,000 इसकी। 1, 2, 3 सही लिखा ना मैंने, 1,15,000, हाँ ठीक है। जीरो जीरो को पता नहीं, बट गाड़ी बिकनी चाहिए। चलो तो टोयोटा सुप्रा तो यार देखो मैंने बेचने के लिए लगा दिए, कस्टमर वगैरह आए हैं उससे पहले थोड़ी बहुत क्लीन कर, भाई ये चमक रही है, क्लीन की जरूरत नहीं है इसे, अभी इतनी गंदी नहीं हुई है। हाँ चलो ठीक है, जरूरत नहीं है क्लीन करने की, फटाफट से अपनी जो दो गाड़ियां सामने आई हैं उसे रिपेयर पे लगवाता हूँ, तब तक इसके लिए कस्टमर भी आ जाएंगे और ये गाड़ी निकल जाएगी। ओके तो ये है अपनी Audi। भाई सोच कह रहे हो यार, मैं तुम्हारा परमानेंट कस्टमर हूँ, रिपेयर लगा दिया अगर, यू कैन ओपन अ स्किल फॉर रिपेयर्स। भाई जेब में रोकड़ा ही नहीं है भाई, तू कर दे यार। भाई साहब मैं तो फंस गया, अब जब तक सुपरा बिकेगी नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी जेब में पैसा है ही नहीं। एक मेरे पास आइडिया है, ये थोड़ा बहुत लोहा वोहा बेचता हूँ, क्या पता इससे कुछ पैसे मिल जाए। क्या यार, मतलब इतनी महंगी महंगी गाड़ियां होने के बाद भी गरीबी फेस करनी पड़ रही है इस गेम में। ठीक है तो इसकी दुकान से थोड़ा बहुत लोहा वगैरह उठा लिया है, ये लो भैया इसके कुछ पैसे दे दो। ओके $80 दिए मेरे को, 864 टोटल मनी हो चुका है मेरे पास भाई, 864 में कर दे यार, 840 ओके नाइस, एक गाड़ी रिपेयर पे लग गई, $24 मेरे पास बचे हैं। पर से टेंशन वाली बात नहीं, अपने पास सुपरा खड़ी है भाई, 1,00,000 की बिकने वाली है वो, तो पैसा दिख नहीं रहा है बट एक्चुअल में है बहुत सारा पैसा अपने पास। कस्टमर आ जाओ यार, बस कोई टेंशन दिला रहे हो, आ ही नहीं रहा कोई। 6:30 बजने वाले हैं, रात हो जाएगी थोड़ी देर में और कार मार्केट प्लेस बंद हो जाएगा, तो आज का दिन तो अपना नहीं हो पाएगा कार मार्केट प्लेस में। फिलहाल तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि अपनी BMW रिपेयर हो जाए फटाफट से। अभी इसका राइट डोर चल रहा है, फिर उसके बाद राइट फेंडर रिपेयर होगा और मैं इसको बेचने पे लगा सकता हूँ, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तब तक रात हो जाएगी और हमें अपना डीलरशिप बंद करके जाना पड़ेगा। ओके तो फाइनली BMW रिपेयर हो चुकी है और अभी तक कोई भी सुपरा का कस्टमर नहीं आया। थैंक यू ब्रो, तूने आज काम कर दिया, फटाफट से इसे लेकर चलता हूँ मैं और जल्दी से इसे भी बेचने के लिए लगा देता हूँ। आई होप कुछ कस्टमर आए कल के दिन, आज का दिन तो बिल्कुल कमाई वाला नहीं था। मेरे पास $20 बचे हैं। ओ भाई ये कितनी ज़्यादा लाउड कार है यार, अब पता नहीं है इसका एग्जॉस्ट साउंड कर रहा है या फिर इसका इंजन। ओके गाड़ी बंद करो, बाहर निकलते हैं, रात हो चुकी है और कस्टमर आज नहीं आए, कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, मैं इसको बेचने के लिए लगा देता हूँ एटलीस्ट। BMW सीरीज 1 7,200 की खरीदी थी, 840 ऊपर से लगाया, तो गाड़ी बिकनी चाहिए $20,000 की। मैं भाई सीधा प्राइस डबल करके बेचता हूँ, ठीक है? बिके वरना सब भाड़ में जाओ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैंने अभी भी कम डाला, 24,000 डालूंगा अब मैं। भाई BMW यार बिकनी चाहिए महंगी। पर आपने एक चीज नोटिस करी, अब सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आए हैं, टोयोटा BMW
ब्लू, उधर ऑडी। तो अभी अभी लग्जरी हो चुका है भाई टेक्नो मोटर्स, फिलहाल बंद करो और मैं बस पकड़ के जाने वाला हूँ। क्या मतलब है लग्जरी शोरूम का ओनर बस से जा रहा है, वो भी कंटेनर में रहता है। गरीबी है थोड़ी, अभी दिखा नहीं रहा हूँ मैं, कंटेनर में लाइट तक नहीं लगी हुई भाई, दिखता नहीं है मुझे मेरा कमरा कहाँ है। चलो दरवाजा बंद करके गुड नाइट, आज का दिन कितना नुकसानदायक था। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और थोड़ी बैंड बजने वाली है आज, क्योंकि $14 बचे हैं, $10 में मैं अपने ऑफिस पहुंचूंगा और मेरी जेब में बचे सिर्फ $4। अगर आज कोई कस्टमर नहीं आया ना मैं गरीब हो जाऊंगा। बट ठीक है, ऐसे कैसे कोई नहीं आएगा, पहले थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं, सब आएंगे। ये लो कूड़ा साफ, कूड़ा साफ करने के बाद थोड़ी थोड़ी गाड़ी साफ कर देते हैं, गंदी हो जाती है रात भर, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है भाई। सुपरा ज्यादा गंदी नहीं हुई यार, चलो चमका दी भाई तुम्हारे भाई ने गाड़ी एकदम मस्त। BMW भी थोड़ी क्लीन कर देता हूँ, ये तो एक्स्ट्रा गंदी थी उल्टा। ये देखो भाई इसका ये दरवाजा अलग ही कलर शाइन मार रहा है। 1 2 ओके फाइनली पूरी कार मैंने एकदम मस्त क्लीन कर दी है, अब बस मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओ वाओ फाइनली कोई कस्टमर आया, वो भी सुपर भाई। इसको खरीदो जल्दी, इसको खरीदो फटाफट से, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। लेट्स सी बात करते हैं कितने की गाड़ी खरीदने वाली है। 1,15,000 मैंने डाला है, प्लीज ले जाते हैं। 70,000 निकल यहाँ से बेटा, चाटा मार के भगाऊंगा अगली बार इतना कम पूछे। 70,000 उससे ज्यादा तो मैं गाड़ी पे लगा चुका हूँ, 65 की लाया था भाई, अलॉय चेंज करवाए हैं, उसमें मेहनत करी है मैंने, ढूंढ के लाया उसको मैंने, साफ करा, बाकी ठीक है। एक और भाई BMW के लिए कस्टमर आए हैं क्या? मैम यहाँ से भी दिख रही है, आप उधर क्यों जा रहे हो? पूरा एकदम 360 मार के देखोगे। चलो अभी फटाफट खरीद लो इस गाड़ी को, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। 24,000 की है, 13,000 यार बेच दो क्या? नहीं यार मैं वेट करूंगा, निकल यहाँ से तू, आज देखता हूँ मेरे से लोग कितना वेट करवाते हैं। यार वैसे बुरी डील भी नहीं थी, मतलब 8,000 रुपए की तो पड़ी थी गाड़ी। ओके नाइस, दो कस्टमर अभी और आ गए हैं और वो दोनों सुपरा के लिए आए हैं, डिमांड है भाई, देखो गाड़ी की डिमांड है। अब बस ना तुम अच्छे खासे अमीर घर से होगे तो पैसा मेरे को बढ़िया मिल जाएगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा सच्ची में। 1,00,000 ही दे दो यार, सुपरा इज्जत करो कुछ। 98,000 नॉट बैड, अच्छा कस्टमर आया फाइनली। 98 का तो 1,00,000 की मैं निकाल दूंगा। आप कितने लाए हो? 1,15,000 की आस्किंग है। 90 बॉयस आ रहे कस्टमर, क्या करूं भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, लालच आ गई। एक कस्टमर BMW, तुम दोनों थोड़ा सा वेट करो अभी, लालच आ गई भाई। अभी मेरे को पता चल चुका है कि मेरी सुपरा लाख में तो प्यार से बिक जाएगी, बट इससे एक बार मैं आस्किंग करता हूं, ये थोड़ी अमीर है, 99 ये दे रही है ना, तो मैं से बार्गेनिंग करता हूं। 1,08,000 ठीक है, सही लिखा ना मैंने? पर तो 10,00,000 तो नहीं है, नहीं पता चला गाली वाली बक के भगा रही। ले जा यार 1,08,000 में प्लीज। यार बिक जाती है यार, 1,10,000 ही डालना चाहिए था, बट ठीक है मैं अभी रिग्रेट नहीं करता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया इस गाड़ी से, मेरा बैंक भर गया। आप ये खरीद लो, आप ये भी खरीद लो भाई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। 24 आस्किंग है, 12 ये दे रही है। ये देखो ओवरऑल देखा जाए ना तो इस गाड़ी पे मैंने $8,000 लगाए हैं, तो अगर मैं इसे 12 की बेचता हूँ मैं तो 4,000 कमाऊंगा। 12 की जगह मैं सिर्फ 15,000 बोलता हूँ, खरीदे तो ठीक है वरना मेरे पास भाई बहुत ऑप्शन है। निकल यहाँ से अभी अभी भाई, कोई इज्जत नहीं है तू, फटाफट भाई। BMW, इट्स अ BMW सीरीज 1, से रेयर कार है भाई ये। बाकी ठीक है, अभी जेब में पैसा आ चुका है तो फटाफट से ऑडी TT भी रिपेयर पे लगवा देता हूँ, और $1,00,000 लेकर आज मैं जाने वाला हूँ थोड़ी गाड़ियां खरीदने। कुछ फरारी वगैरह मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा भाई साहब। एक काम करो, इसको रिपेयर लगाओ ठीक है, आज के बाद पूछना ना पड़े, बताना ना पड़े। वैसे एक सेकंड, ऑक्शन आज होने वाले हैं, 11 बजे स्टार्ट होंगे। ओके 11 बज चुके, ऑक्शन चल रहे हैं यार, ऑक्शन में जाएगा, $1,00,000 है, कोई ना कोई रेयर गाड़ी मिल जाएगी मेरे को भाई। लेट्स गो ऑक्शन में चलते हैं, थोड़ा बहुत बोली लगाते हैं, क्या पता कोई बढ़िया गाड़ी आ जाए 1,00,000 में अपने हाथ में। ओके हेलो ऑक्शन वाले भैया, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, टिकट मैंने परचेज कर लिया है, अभी चल रही है ऑडी की डील। ओ भाई सस्ती बोलियां लग रही हैं, तो ऑडी S5 लगा, आज पहली बार मैं ऑक्शन खेलूंगा और मैं गाड़ी लेके ही जाने वाला हूँ। 18,500 का बेट, ये ले भाई 497 प्लस। ये गाड़ी की बीटी स्टार्ट हुई थी 12,400 से और अभी $20,000 की पहुंच चुकी है, जो कि बुरी नहीं है, ऑडी S5 है और गाड़ी अपनी होगी भाई, लेट्स गो। $1,00,000 लेकर आऊ, बहुत कुछ खरीद के जाऊंगा। ओके नेक्स्ट बिट आई है किया कार्निवल, खरीदू गए कार्निवल, चलने दो अभी बिट, 36 जा चुकी है, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भाड़ में जाए भाई, इसकी डिमांड है, मजा आ रहा है यार बिट में भाई, कितनी महंगी जा रही है गाड़ी। हेलो मैं ऑडी S5 लेके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, मैं तो एकदम टाइम पे पहुंचा और वो बिकने ही वाली थी जस्ट, और मैंने निकाल ली। बट यार एक चीज मैंने अभी नोटिस करी है, आगे से थोड़ी डैमेज है, आई थिंक 15% डैमेज है, बट ठीक है करा लेंगे यार रिपेयर। चलो ये वाली गाड़ी बिक गई, और एक सेकेंड अभी पीछे एक पोर्शा आई है,
अरे यार उसका स्टार्टिंग ही 1,22,000 से है, ये अपने बजट के बाहर है। मेरे को ऐसा लग रहा है वन वाला सस्ता होता है, सेकंड थोड़ा महंगा होता है, थर्ड और महंगा होता है, और फोर्थ कार देखते कौन सी आती है। मैं अफोर्ड तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपना बजट $80,000 का है, और मैं श्योर हूँ कि वो जो चौथे नंबर पे गाड़ी आने वाली है वो $2.5-3 लाख वाली होगी। बाकी यार ये जो पोर्शे 930 आई थी ये 2 लाख टच करने वाली है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ओके नहीं, 166 में बिक गई। फोर्थ कार सस्ती आई है भाई, स्कोडा है क्या? स्कोडा, यस 21,000 है भाई, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ओके ले लेते हैं यार, एक गाड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है, मतलब मैं लेके ही जाऊँगा, थोड़ा बढ़ा के लगाता हूँ यार, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। गिल ले, है कोई चौड़ा हो रहा है कोई? अबे यार कौन बैठा है, अपना नाम लिखा आना चाहिए भाई। 28,000 पहुँचा दिया, ले 1,000 बढ़ाऊंगा सीधा, बोल फालतू पैसों से बदतमीजी नहीं। यस 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 यस, होगी भाई, लेट्स गो। दो गाड़ियां खरीद ली आज तुम्हारे भाई ने कार ऑक्शन से, कहाँ है मेरी गाड़ियां? ओके वेट, वोरी भाई मैं आपसे हमेशा कार ऑक्शन में आऊंगा भाई, मजा आ गया भाई। ये है अपनी ऑडी S5, क्या सही लंबी कार है यार ये, लेट्स गो। एक राउंड मार के आते हैं भाई, दोनों गाड़ियां डीलरशिप पे ले आके खड़ी करके बेचनी है सीधा, आराम से निकालता हूँ इसे। वैसे ऑडी S5 टू डोर कार है, S5 मैंने, ओ वेट एक सेकंड, कस्टमर्स आए हैं, रुको सर, ओ तेरी भाई भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, तो ये लो तुम्हारे लिए नई गाड़ी भी मैं लेकर आ गया हूँ, इसको पार्क करते हैं। वैसे यार एक सिग्नी से पार्क क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको लगे हाथ ना मैं रिपेयरिंग पे भेज देता हूँ, अभी जाके करवा लूंगा। भाई क्या भीड़ लगी है BMW के लिए, भाई भीड़ देख के बंदा $24,000 दे देगा। 13,000 निकले यहाँ से। हाँ जी सर आप कितने दे रहे हो? भाई देखो 20 की बेचूंगा मैं ये, 12,000 आप भी निकलो, आप तो इसको जुड़वा भाई हो, आप कितने दे रहे हो भाई? 24 की आस्क पे ये दे रहा है 9,000। तू तो बेटे फटाफट निकल जा, देखो तो होल्ड पे भी नहीं रख रहा मैं। हाँ जी आप बताओ, आप थोड़े ऐसे बिजनेसमैन लग रहे हो यार। डंडला बदतमीजी करने आया था यहाँ, बातें करने आया हुआ है। बाकी ठीक है यार, इस गाड़ी को निकाल लेता हूँ, 13 दे रहा था ना, 24K 13, यस तो बार्गेन करके। अरे क्या हो गया भाई, तू खरीद ले यार, 24K मेरे को दे रहा था 12, हाँ ऑलमोस्ट 13 देख रहा है, बार्गेन करके 15 डाल देता हूँ, खरीद रहा है ठीक है, वरना जा यार मेरे पास बहुत कस्टमर आने वाले हैं। नहीं ले रहा तू 14,500, वरना इसके बाद तो मैं डोंट सेल करने वाला हूँ। ले ले भाई, अब तू निकल, तेरा बहुत होगा भाई, चल अब निकल ले, निकल निकल निकल, ज़्यादा टाइम नहीं है भाई मेरे पास। अपने पास एक स्कॉडा आ चुकी है और दो ऑडी खड़ी हुई है, तो फटाफट से इन दोनों को, ये वाली तो रिपेयर पे लगवानी है वैसे। भाई क्या मस्त हो गया यार अपना सीन, पहले कहाँ आती थी ये सब गाड़ियाँ, तो ये वाली गाड़ी मैं रिपेयर पे लगवाता हूँ, ये वाली तो हो चुकी है, तो फटाफट से गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से इसे लेकर चलते हैं भाई शोरूम में खड़े करने। ओहो एक राउंड भी मार कर आऊंगा यार, लगे आते इस पे मैं, रुको रुक जाओ अंधे, आराम से चला भाई। वैसे यार ये कार इतनी क्रेजी नहीं है, मतलब अच्छी है बट वो मजा नहीं है जो बाकी गाड़ियों में आ रहा था। खड़ी एक बार घुमा के खड़ी कर दे, ओहो क्रेजी, मतलब ऑडी DT एक सिंपल स्पोर्ट्स कार है, ऐसे प्यारी सी, वो पॉप मारा भाई इसने तो भी, तो इसमें टर्बो लगा हुआ है क्या, पॉप कैसे मारा इसने? यस मार रही है भाई। अभी ना मेरे को शोरूम अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियां ज्यादा हो चुकी है और जगह कम हो गई है, तो एक गाड़ी आ जाती है दूसरी गाड़ी को ला के पार्क करना बहुत मुश्किल टास्क रहता है। चलो ठीक है ये वाली आ चुकी है, इसे मैं लगाता हूँ, आप दोनों थोड़ा सा वेट करो, मैं इसे बेच के लगा के आता हूँ। ऑडी TT 25,000 के लिए थी, 1,000 एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो ये जाएगी 50,000 की, पुट ऑन सेल। अब बेचूंगा यार, बहुत महंगी बेचूंगा। और बाकी हाँ जी आप BMW ले रहे थे यार, दे यार $15,000 ले जाओ उसको, मेरे भी सिर दर्दी खत्म हो। ये ले 15,000 फाइनल ऑफर है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा यार। नहीं यार भाई BMW के मामले में सेल बंदे बहुत बार्गेन कर रहे हैं यार। 11,000 नहीं यार तू तो जा, खत्म करता हूँ यार इस गाड़ी को बेच के ना, सरदर्दी हो गई यार अभी तो। ये 13,500 लास्ट ऑफर भाई, वरना और भी मैं वेट कर लूंगा। चलो फाइनली BMW से सरदर्दी खत्म हुई यार, बिकी नहीं रही थी ये गाड़ी, बाकी नेक्स्ट डे लगने ही वाला है, सोच रहा हूँ स्कोडा को लाकर शोरूम में खड़ा कर दूं। बेचारी ये गाड़ी लावारिस की तरह यहाँ पे खेत में खड़ी हुई है, बट यार मस्त ऐसी हुई है, बहुत बड़ी है वो भाई, साउंड भी काफी ऐसे दमदार वाला है, हैवी इंजन भाई इसमें, V8 है क्या, पावर तो वैसी सी आ रही है। ओके ठीक है, अभी अपनी ऑडी के भी कस्टमर आ चुके हैं, और एक सेकेंड आराम से, चलो इस गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। चले मैं जयू भाई, अभी गाड़ी आया है तो लेके जा, 50,000 की है, 40 की ले जा। ओ तेरी भाई मस्त ऑफर आया, 42 तो वो ऐसे ही दे रहा है, 40 तो मैं बोल रहा था, एक काम कर अब तू इसे 45 दे रात का टाइम है, बढ़िया डील है भाई, ले जा इसे, ऐसा कुछ नहीं मिलता। फाइनली भाई
क्या कमाई हो रही है यार। चलो ठीक है, अभी ऑफिस बंद करते हैं, फटाफट से चलते हैं सोने। आज बहुत पैसा कमाया भाई, 1 लाख। कल पक्का मैं कार मार्केट प्लेस से एक फरारी उठा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, बस पकड़े चलते हैं। कार मार्केट प्लेस आज ओपन है, बट अपना पहला काम तो आपको पता ही है ना, हमें अपने शोरूम आके थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ती है, तो इसे ट्रैश को उठा के यहाँ डालते हैं। और कार मार्केट प्लेस जाने से पहले दोनों गाड़ियों को बेचने के लिए भी लगा देता हूँ। स्कोडा का 30,000 की लाया था ना मैं, इसको 80,000 डाल के देखूं। मैं मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, बट मेरे को पता करना है कि ऑक्शन से जो गाड़ी मिलती है, क्या पता वो बहुत एक्स्ट्रा महंगी बिक जाती हो। अब इतनी महंगी डाली है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर देता हूँ इसकी। अगर ये बिक गई ना भाई, मैं हमेशा गाड़ियां सिर्फ कार ऑक्शन से ही खरीदूंगा। चलो कार मैंने फुल क्लीन कर दिया, प्यारी लग रही है अभी। धनी वैसे इसका कलर ही ऐसा, क्लीन होने के बाद भी ऐसी दिख रही है। चलो बहुत मस्ती हो गई है, फटाफट से ऑडी S5 लेकर आते हैं, रिपेयर करवा दी थी मैंने कल। लेट्स गो भाई, ये कार सच में मस्त है यार। मतलब ये मेरे को मिलती नहीं वैसे अगर देखा जाए ना तो, बिना ऑक्शन के। आओ बच गई भाई। चलो भाई इस गाड़ी को चलो फटाफट से इस कार को थोड़ा सा साइड करके पार्क करते हैं, ताकि और गाड़ी आए तो उसको लगाने की भी जगह मिले। लेट्स गो, अभी क्लीन कर देता हूँ। ये देख रहे हो भाई, V8 पावरफुल कार है ब्रो। चलो फुल क्लियर कर दिया, रूफ पे थोड़ी बहुत डर्ट बची थी वो भी क्लियर हो गई है। ये कार भी मैं ऑक्शन से लाया था, तो इसे भी बहुत महंगा बेचूंगा। 20,000 की मैं लाया था, इसको बेचते हैं 60,000 का, पुट ऑन सेल। चलो ठीक है, अभी दोनों गाड़ियां यहाँ पर मैंने बिकने के लिए खड़ी कर दी है। अब मैं फटाफट से चलता हूँ कार मार्केट, बट मेरे को कस्टमर अभी गाड़ी बेचने के लिए लगाई थी, 2 मिनट में ही कस्टमर आ गए भाई। जल्दी से मैम, इसके जितने पैसे मैंने मांगे उसके $3,000-4,000 कम दे दो चलेगा, बट खरीद लो यार ये कार, मजा आ जाएगा। गाड़ी आते बिक जाते भाई 20,000, तू फटाफट भाग जाए, फटाफट बस पकड़ के जा भाई, उतनी मस्त कार है वो, उससे बढ़िया मैं बेचू ही ना, मेरे को कोई नुकसान नहीं, अभी पैसा है। यस मैं आ चुका हूँ अभी कार मार्केट प्लेस, लेट्स सी कोई सुपर कार आई है क्या आज। आज $1,00,000 लेकर आया हूँ मैं सीधा। ओह वेट, पीछे एक और सुपरा लैम्बोर्गिनी आज आई है भाई, चीजें तो आई है आज। पहले पता कर लेते हैं लैम्बोर्गिनी का ही। भाई देख इस पे काम बहुत ज्यादा करवाना पड़ेगा, तेरे को भी मालूम है, देख रहा है तू वाला, तो इसे 20,000 की बेच दे। 4,73,000 मेरे इस टाइम पॉकेट में जितना पैसा है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी नहीं हो रहा है भाई। तू ही रख इसको यार, एक काम करना, यहाँ पे सुपरा खड़ी है, ये तो मैं खरीद ही लूंगा इतना पैसा है, बट एक बार ये पोर्शे का भी पता कर लेते यार, लाख की बेच दे यार। 41% डैमेज है, 1,34,000 की ये बेच रहा है, 1,34,000 की मुझे ये गाड़ी मिल रही है। मैं अभी कुछ नहीं दिख रहा, अपने शोरूम पे एक कस्टमर आया हुआ है, वो जो भी गाड़ी खरीद रहा है उसको बेच के अगर 1,34,000 बन रहे हैं तो मैं उसे बेच रहा हूँ। ठीक है जल्दी चलो भाई, अभी अभी टाइम है नहीं, जल्दी से। अबे कौन है भाई, तू तो अभी आ रही है, शायद से कोई कस्टमर आकर चला गया भाई। इसको खरीद ले यार, 20,000 का खरीद ले, 20,000 का खरीदेगा तो हाँ मेरे पास 134 हो जाएंगे यार, जल्दी ले ले, 30 की खरीद ले, थोड़े बचने भी चाहिए ना, वो पोर्शे रिपेयर भी करवानी है। 24 की खरीद रही है, बार्गेन 30,000, जल्दी से ले, मस्त डील है, टाइम मत वेस्ट करो प्लीज, खरीद ले यार। अरे यार इसके ड्रामे शुरू हो गए, निकल यहाँ से, गुस्सा ही दिला दिया इसने तो अचानक से। ओ वेट, स्कोडा तो बिकेगी भाई, स्कोडा बिकेगी वो गाड़ी, 80 मैंने लिख दिया ऐसे मजे मजे में, बट अच्छी है यार। बाय प्राइस मेरा 30,000 था, 43 ये देने के लिए रेडी है, और अगर इसको मैंने गाड़ी बेची तो मैं पोर्शा ले पाऊंगा। बाकी ये बंदा कितने की खरीद सकता है तू, 38, नहीं यार तू घटिया आदमी है तू बहुत ज्यादा। तू बता भाई तूने क्या बोला था, 43 ना, तो 30 की तो मैं लाया ही था, तो 43 की जगह मेरे को 48 देगा क्या, थोड़ी कमाई हो जाएगी यार, देख ले भाई। नहीं है ओके नाइस, बिक गई, हो गया काम। चलो गाइस फर्स्ट टाइम अपने शोरूम में एक पोर्शे भी आने वाली है कार मार्केट। भाई आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया भाई, आज मेरा प्लान ही यही था कि एक पोर्शे, फरारी, लैम्बोर्गिनी, इन तीनों में से कोई एक गाड़ी लेकर आनी है। वैसे बगल में एक सुपरा भी बिक रही है यार, पता तो कर लूँ कितने की है, मैं खरीदूंगा नहीं, पैसा नहीं है। 82 की है, वैसे थोड़ी महंगी दे रही है, पता है तू पागल है, 70-60 की मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट हाँ इसकी एकदम क्लीन कंडीशन में, बट जो भी है सब भाड़ में जाए यार। 41% डैमेज है, पेंट करवा रखी है, डर्टी बहुत ज्यादा है, है थोड़े बहुत नुकसान इस गाड़ी के, बट 1,34,000 की बेच रही है, इसको मैं बोलता हूँ 1,26,000, थोड़ा कम करवाता हूँ यार, क्या पता इतना कम हो जाता हो इतनी महंगी गाड़ियों में। बिक गई फाइनली भाई, हमने खरीद ली ये गाड़ी। कितने टाइम से बस मैं आता था इस गाड़ी की शक्ल देख के चले आता था कि भाई अपना बजट ही नहीं हो भाई, स्पॉइलर देख रहे हो, गॉड डेंजर स्पॉइलर है। चलो भाई आज थोड़ी हवाओं से बातें करी जाए, आ जाओ हट जाओ भाई सारे हट जाओ, अब मैं बड़ा डीलरशिप का ओनर बन चुका हूँ, हट जाओ सारे, अब हट ही नहीं रहे कोई, चढ़ा दूंगा। चलो गाइस लेट्स गो, एक मस्त राउंड मार कर आते हैं। अबे का कबाड़ा बेच दिया क्या भाई, ये तो भाग ही नहीं रही, ये तो जिससे टेम्पो नहीं चलते
नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको रिपेयर करवाऊंगा अभी, ये बहुत गंदी आवाज कर रही है, मेरे को लग रहा है उसने को लूट लिया भाई। एक मिनट अरे तू रुक जा भाई, तू उसको कर ले पहले रिपेयर, इतनी महंगी गाड़ी आई है, कैसे लोग हैं यार, इतनी मस्त गाड़ी आई है उसको रिपेयर करो पहले। बाकी भाई देख इसको ना एकदम बढ़िया कर दे, मैं अभी बहुत उदास हूँ, शायद डैमेज है इसलिए अच्छी नहीं चल रही है। रिपेयरिंग का ज्यादा खर्चा नहीं गया बट हाँ रिपेयर पे लग गई है। इस गाड़ी का भी कलर भी मैं मस्त करवाता हूँ। फिलहाल अभी शोरूम पे कस्टमर आए हैं, ऑडी खरीदने आए हैं भाई ये लोग, दो दो कस्टमर दे दो यार इसके अच्छे पैसे, 60,000 की आस्क है एंड ये लोग 24 पे कर रहे हैं। तो दो सेकंड रुक इससे पता करूं, 30 पे कर दे यार मजा आ जाएगा। 30 18 भाग यहाँ से, भाग जा। हाँ जी आप आओ, आप आ जाओ, आप दो मिनट होल्ड करना बस, इससे पता कर लूँ। हाँ जी कितने पैसे भाई, गाड़ी में डैमेज ही नहीं है यार कोई, कितनी अच्छी बात है। ये 23 दे रही है और ये कितने दे रही थी, ओके तो अप्रॉक्स 25 ही दे रही है, 24.9 है ना, तो इसको 25 से मैं 28 ला सकता हूँ। ओए 28, हाँ गलती से गलत डाल दिया था, अभी बिक जाती कम में। 28,000 नहीं खरीद रही यार। एक और कस्टमर आई है इससे बात करता हूँ, 28 की निकालने का ट्राई करना है। 18,000 पागल है क्या? ठीक है यार अभी ये गाड़ी मेरे लिए सरदर्दी बन रही है और मैं ज्यादा देर तक नहीं रख सकता अपने पास एक गाड़ी। 25 दे रही थी, 28 की जगह इसे 27 करते हैं, थोड़ा थोड़ा कम आते हैं और फिर बेचेंगे। प्लीज ले ले यार। ओके नाइस बिक गई, 27,000 की मैंने गाड़ी बेच दी जो कि मैं 20 की लेकर आया था। 7,000 कमाया मैंने बस एक ऑडी S5 से, थोड़ी सी शर्म वाली बात है बट ठीक है, अच्छी बात है कि मैंने नुकसान नहीं करवाया यार। चलो भाई अपनी पोर्श रिपेयर हो चुकी है, मुझे इसे थोड़ा सा क्लीन करना है और अभी मैं इसमें थोड़ा काम करवाने वाला हूँ पेंट का। गाड़ी के अलॉय मस्त है, पेंट ज्यादा महंगा होता नहीं है, करवा लेते हैं। इसका सियान कलर करवाऊंगे ये वाला, यहाँ इस पे सियान कलर करवाते हैं। चलो भाई पेंट कर दो इसको, नाइस फटाफट से अभी बैठते हैं गाड़ी में और अभी इस कार को मुझे ले जाके एक राउंड मारते हैं। एक सेकेंड को, तो गाड़ी का कलर मस्त हो चुका है बट ये अच्छे से तब दिखेगा जब ये गाड़ी एकदम पूरी क्लीन होगी ना, चमकने लगेगी। चलो भाई डन सीन, मस्त एकदम चमका डाली है मैंने अपनी कार को और अभी बैठते हैं इसमें और एक बढ़िया सा राउंड मार कर आते हैं, फिर इस गाड़ी को मैं बेचने के लिए लगाऊंगा। जितने की मैं लाया हूं ना उससे तो बहुत महंगी बेचूंगा, बहुत ज्यादा। बस यार ये गाड़ी ना भाग कर दिखा दे यार, दम है पर मेरे को या तो फील नहीं हो रहा है या फिर है ही नहीं इसमें। ओ भाई एक सेकेंड, ड्रिफ्ट भी अच्छी मारी और पटाखे तो मार ही रही है भाई। है भाई गाड़ी में दम है, नाइस मजा आ गया। 143 पे 150 पे चल रही है बट फील नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्यों। ओए नहीं आराम से, हाँ ओ नहीं भाई डैमेज हो गई, राइट फेंडर डैमेज कर दिया मैंने। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर अभी डैमेज हुई है दोबारा रिपेयर करवानी है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी पहले दोबारा से मार्केट प्लेस चल लेते हैं। वैसे वो बंद ही होने वाली है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, पर अगर जो पैसे पड़े हैं इसमें कोई अच्छी डील मिल जाती है तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, एक गाड़ी खरीद लेंगे फटाफट से। यहाँ पर ये कितने की है, ये गाड़ी कौन सी है पहले तो बताओ मेरे को। 48,000 की नहीं, मेरे को गाड़ी ही नहीं समझ आई तो। ओ वाओ BMW ये मैं लूंगा। BMW बिकती है, मस्त बिकती है, पैसे की कमाई होती है। 11,000 की मिल रही है बार्गेन, 10,000 में दे दो फटाफट से, टाइम पास नहीं बिल्कुल, बेच दो। आई एम सॉरी दिस प्राइस इज नॉट सूटेबल। ओके 10,500, इतना भी कम नहीं कर रहा हूँ भाई, $500 तो कम होने चाहिए। यस हो गया, गुड डील। अभी गाड़ी को भेजते हैं रिपेयर होने, रात हो चुकी। ओ भाई क्या चमक रही है यार ये गाड़ी रात में, ये नीचे से थोड़ी गंदी हुई क्या? चमका दूंगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गाड़ी मस्त दिख रही है यार ये बहुत ज्यादा। नहीं यार तुम एक बार खुद देखो इसकी, थोड़ी लाइट वाइट जलाऊं एक बार ध्यान से देखो यार, क्या मस्त चमक रही है गाड़ी, प्यारी लग रही है। चलो ठीक है यार आज ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सोने के लिए। हमने एक और नई कार खरीद ली है, उसको बाद में बेचेंगे और इस गाड़ी को भी मैं आराम से बेचने वाला हूँ, बहुत मेहनत से खरीदी है। अभी फिलहाल अपना घर आ चुका है और खुद सोचो भाई क्या घर है और घर के बाहर गाड़ी कितनी महंगी खड़ी हो रही है। इस गाड़ी में ऐसे 50 घर आ जाएंगे। तो देखो यार असलियत तो ये है, मैंने गाड़ी पता क्यों खरीदी है, तो अपने घर में ना गाइस लाइट की बहुत कमी थी तो मैं इस गाड़ी को लेकर आया हूँ। हम लोग ऐसे हजार लाइट मारेंगे, हाई बीम लाइट मारेंगे और अपने घर में ऐसे लाइट आ जाएगी। अब चल के सोते भाई, अंधेरा बहुत रहता था यार इधर, अब देखो क्या नजारे आ रहे हैं खिड़की से, इस बेड पे मैं सोऊंगा बाहर पोर्शा, नाइस। तो चलो गाइस आज के सल वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 6 लाख लाइक के लिए। भाई देखो फाइनली भी सुपर कार खरीद ली है, तो जाओ फटाफट से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। कमेंट्स में अपना फेवरेट कलर बताना जो उस गाड़ी पे होना चाहिए। अभी हमने गाड़ी बेची नहीं है, नेक्स्ट एपिसोड में बेचने वाला हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें इसे और मॉडिफाई करना चाहिए या फिर इसको अपनी पर्सनल कार ही बना लेना चाहिए, हाँ मतलब थोड़ा नुकसान होगा, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है और उसे अभी बेच नहीं रहे, वो मुश्किल ऑप्शन है, बट मेरे को तुम कलर बताओ कौन सा कराएं और फिर बेचें,
जाओ कमेंट्स करो, और जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं भाई भाई टाइम पास मत करो, ऐसी मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस और आने वाली हैं, तो बस सब्सक्राइब का बटन उसे दबा दो, तुम्हें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, वीडियो चुटकियों में नोटिफिकेशन आएंगे भाई, बेल आइकन भी दबा देना उसके लिए, हाँ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।